चुनाव से पहले शराब माफियाओं के मंशा पर गोपालगंज की पुलिस ने पानी फेर दिया। एक बड़े ट्रक को जब्त कर लिया जिसमें 19,600 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है। यानी आपको बता दें कि कुचायकूट थाने की पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी उसी दौरान एक ट्रक जा रही थी, उसे रोककर जब चेक किया गया तो उसमें लगभग 100 ड्रम जो है स्प्रिट बरामद हुआ, जिसमें लगभग 19,600 लीटर स्प्रिट था, जिसे पुलिस ने रोककर जांच किया और उसे जब्त कर लिया। तो वहीं उस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार में साजिद अली, उमर फारूक, आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि साजिद अली और उमर फारूक उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला के रहने वाले हैं, वहीं आलोक कुमार जो कि रक्सौल ज़िले के रहने वाले हैं। पुलिस इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को पता कर रही है। हालांकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कुचायकूट थाने की पुलिस ने और भी बड़े मात्रे में स्प्रिट को बरामद किया था और उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को भी पता कर रही थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले गोपालगंज की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले पर गोपालगंज के SP ने कहा कि लगातार शराब के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है और लोकसभा को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। बॉर्डर इलाकों पर खास नज़र बनाई गई है। क्या कुछ गोपालगंज के SP कह रहे हैं, सुनिए। अंतर्गत वाहन चेकिंग क्रम में बलथरी चेक पोस्ट पर करीब 98 ड्रम स्प्रिट बरामद किया गया है और यह ट्रक थी जो हरियाणा नंबर की ट्रक है, जो हरियाणा से आ रही थी और इसमें कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें से जो 2 अभियुक्त है वो उत्तर प्रदेश के शामली जिला के रहने वाले हैं और एक जो अभियुक्त इसका फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए गिरफ्तार किया गया वो मतिहारी के रक्सौल का रहने वाला है और इसमें और भी हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर रहे हैं और यह जो स्प्रिट है इसकी जो कीमत है करीब 2 करोड़ के आसपास है। इससे काफ़ी भारी मात्रा में शराब निर्माण करने का मंशा था शराब माफियाओं को, जिसको पुलिस ने विफल किया है। लोकसभा चुनाव में पकाने की तारीख थी, चुनाव को देखते हुए ही सघन वाहन चेकिंग कराया जा रहा है और इसी चेकिंग के क्रम में यह शराब बरामद किया गया है और डेफिनेटली जो शराब माफियाओं की जो मंशा थी शराब बनाकर ये सप्लाई करने की, उसको पुलिस ने विफल किया है। इसके पहले भी चेक पोस्ट पे कई बार बड़े भारी मात्रा में स्प्रिट को पकड़ा है और सभी में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किया गया है और जो इसमें शामिल जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हर रोग का एक ही इलाज, मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से है परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में सबनम होटल के पास बिप्रयासी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। पहले दोस्ती, फिर हो गया विवाद, उसके बाद हुआ अपहरण और मांगी गई फिरौती, फिर पुलिस ने भी 2 घंटे में कर लिया अपहरित लड़के को बरामद। यह पूरा मामला गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के है, जहां पर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने अपनी मेहनत और जल्द छापेमारी के चलते 2 घंटे के अंदर में उस अपहरित युवक को बरामद कर लिया। अपहरण करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। इस पूरी जानकारी को हथुआ के SDPO ने दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों लोग पहले आपस में साथी थे और किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद एक युवक का अपहरण हो जाता है और फिर फिरौती मांगी जाती है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से 2 घंटे के अंदर में सुकुशल अपहरित युवक को बरामद कर लिया जाता है, जबकि अपहरण करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनिए क्या कुछ जो है हथुआ के SDPO बता रहे हैं। अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति को कोई अपराधी किडनैप करके उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। सूचना मिलते ही SP सर के दिशा निर्देश में एक टीम गठित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एवं अन्य सदस्य शामिल थे। उन टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर अपहरित को बरामद किया गया। एक अपराधी को पकड़ा गया, उसके पास से 1 पिस्टल एवं 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मामला बताया जा रहा है, क्या ये दोनों में पहले विवाद रहा है, उसी के आलोक में ये लोग एक दूसरे दुश्मनी के कारण किडनैप कर लिए थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। हथियार अवैध है, हाँ, दोनों का आपराधिक इतिहास है, शराब के तस्करी के मामले में आपराधिक इतिहास है। अब पुलिस के इस बड़ी कामयाबी को SP ने भी शाबाशी दिया है और उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर में यह पूरे मामले का उद्भेदन पुलिस के द्वारा कर लिया गया और एक अच्छा कार्य किया गया है।
अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।